तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसमें आपको ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है, यानी कि वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू। इन तीनों ही टॉपिक्स को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याएं होती हैं क्योंकि उनको इनका कॉन्सेप्ट जो है समझ में नहीं आता है और क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज ये तीनों ही टॉपिक आपके वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू, इन तीनों ही टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन आपका जो डाउट है आज बिल्कुल इन टॉपिक से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको वुड के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको विल का कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, क्योंकि यदि आपको विल नहीं आता है तो आप वुड को भी नहीं समझ पाओगे। तो देखिए विल क्या होता है, विल का यूज़ आप फ्यूचर के किसी कार्य को करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप फ्यूचर में जो भी कार्य करने की आज प्रेजेंट में सोच रहे हैं, यानी कि अभी बैठकर कि फ्यूचर में मैं ये करूँगा, यानी कि परसों, पल्ले दिन, अगले साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं ये करूँगा, तो उन सारे कार्य को बताने के लिए आप विल का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स विल का ही पास्ट होता है आपका वुड। तो चलिए अब वुड के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुड हैव के बारे में, आखिर वुड हैव का हम यूज कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप विल का यूज करते हैं, यानी कि विल हैव का मतलब होता है कोई कार्य आप भविष्य में कर चुके होंगे, यानी कि भविष्य में। लेकिन यदि आप आज का ही बोलें प्रेजेंट में कि जैसे वो खेल चुका होगा, इसका मतलब क्या है कि वो अभी प्रेजेंट में उस कार्य को ख़त्म कर चुका होगा। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे हम वुड हैव का। आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट में कोई कार्य ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन आप वुड का यूज तब करते हैं जब आप सिर्फ सोच रहे हैं, यानी कि वो अब तक अपने कार्य को ख़त्म कर चुका होगा, इसकी आपको कन्फर्मेशन नहीं है, तो तब आप वुड हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बेटा है या फिर आपके घर में से कोई सदस्य है, वो अभी कोई चीज़ बाहर करने गया है और आप सोच रहे हैं कि वो उस काम को अब तक ख़त्म कर लिया होगा या फिर उसने उस काम को ख़त्म कर चुका होगा, तो इसमें आप बोलोगे वुड हैव, यानी कि ही वुड हैव फिनिश्ड द वर्क। फिनिश्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी इसके साथ लगेगी, यानी कि जितनी भी जो मॉडल वर्ब हैं उनके साथ यदि आपका हैव है तो ये अंडरस्टूड है कि उन सब के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यदि वो पजेशंस को नहीं दिखाती हैं तो। यदि उन्होंने कार्य है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे जिनमें आपको मॉडल वर्ब के तुरंत बाद हैव दिखे। तो फ्रेंड्स जो वुड हैव है इसका यूज़ हम प्रेजेंट की ऐसी एक्टिविटी इनके बारे में करते हैं जिनके बारे में हमें कन्फर्मेशन तो होता नहीं है, लेकिन हम अपने अंदाजे से बोलते हैं कि वो काम ख़त्म हो चुका होगा या फिर उसने वो काम कर लिया होगा, तो ऐसी सिचुएशंस में हम वुड हैव का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई राहुल नाम का लड़का है और ये अभी बाहर खेलने गया है, और तभी इसका जो दोस्त है वो आता है, वो बोलता है कि आंटी राहुल कहाँ पर है, तो उसकी जो मम्मी है वो बोलेगी कि वो खेलने गया है, आप बैठ जाओ, वो अब तक खेल चुका होगा, यानी कि उन्हें पता नहीं है कि वो खेल चुका होगा या अभी खेल रहा है, लेकिन उन्होंने अंदाजे से बोल दिया कि वो अब तक खेल चुका होगा, तुम बैठ जाओ थोड़ी बहुत देर में वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप विल हैव का यूज़ नहीं करोगे कि आप इसे होगा के सेंस में लेकर यदि आप कभी इसे फ्यूचर में ले जाओ, नहीं, ये एक प्रेजेंट की बात हो रही है, इसमें आप वुड का यूज़ करोगे वो भी हैव के साथ, यानी कि राहुल वुड हैव प्लेड, यानी कि राहुल खेल चुका होगा या फिर राहुल ने खेल लिया होगा, वो बस आने वाला है। आप इसमें राहुल विल हैव प्लेड बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको वुड हैव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो चलिए इसके अब एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे कि वह उसे पीट चुका होगा, यानी कि आपको कन्फर्म नहीं है कि अब तक उसने पीटा है या नहीं पीटा है, लेकिन आप सिर्फ अंदाजे से बोल रहे हैं कि वो अब तक उसे पीट चुका होगा। अब इसमें आप इंग्लिश कैसे बोलोगी कि वह उसे पीट चुका होगा, ही वुड हैव बीटन हिम या फिर हर। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को वुड हैव के जो माध्यम से बनाओगे, तो अब आप ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें आप वुड हैव लिखा देखोगे लेकिन फिर भी उसका मतलब ये नहीं निकलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन सेंस में क्या होगा, उस सेंस में आपको उसके साथ जो है कंडीशनल सेंटेंसेस मिलेंगे, यानी कि पहले कंडीशन होगी उसके बाद आपकी जो है वो सेंटेंस में वुड हैव आपको दिखेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में इसका मीनिंग क्या होगा, यदि उस सेंटेंस में आपका वुड हैव है और कंडीशनल लगी हुई है, यानी कि इफ से वो स्टार्ट है और उसके बाद कोई और सेंटेंस है और उसके बाद आपका अलग सेंटेंस में वुड हैव का यूज़ किया गया है, तो तब ऐसे सेंटेंस में आप वुड हैव का मीनिंग निकलेगा पास्ट में, यानी कि पास्ट में कोई कार्य किया होगा या फिर पास्ट में कोई कार्य करता, इस तरह से आप वुड हैव को लगा सकते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखता हूँ मैं पास्ट का। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, अगर उस दिन मैं उसके साथ होता
तो मैं मर गया होता। यानी कि मैं पास्ट के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर उस दिन मैं उसके साथ होता तो मैं मर गया होता, यानी कि मैं उसके साथ नहीं था। तो ये आपका क्या है, ये आपका कंडीशनल है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश किस तरह से बनेगी, इफ आई हैड बीन विद हिम, अगर मैं उसके साथ होता तो अब क्या बोलोगे, आई वुड हैव डाइड, तो मैं मर गया होता। तो यहाँ पर जो ये है आपका लास्ट में आई वुड हैव डाइड, मैं मर गया होता, यानी कि ये आपका पास्ट का सेंस यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस पर ही डिपेंड करेगा कि इसका जो सेंस है वो करता है। अगर उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं है तो इसका मीनिंग निकलेगा कि प्रेजेंट में कोई कार्य को खत्म कर चुका होगा, वो भी आपके सिर्फ माइंड में, पॉसिबिलिटी में। यदि आपका कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ है तो तब इसकी जो फीलिंग है वो पास्ट में चली जाएगी, पास्ट की किसी डेट को या किसी तारीख को जो आप सोच रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने वुड हैव को क्लियर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वुड हैव का यूज़ नहीं होगा। वुड हैव का यूज़ एक स्थिति में और होता है, वो है आपका, आपके पास कोई चीज़ होगी। जैसे कि मैं प्रेजेंट में बोलना चाहता हूँ कि आपके पास एक मोबाइल होगा, ये मेरे पास कंफर्मेशन है कि आपके पास मोबाइल है, क्योंकि आप अभी इस वीडियो को अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में देख रहे हैं। तो यू वुड हैव ए मोबाइल, यानी कि पजेशंस के मामले में भी आप वुड हैव का यूज़ कर सकते हैं कि प्रेजेंट में उसके पास कोई चीज़ होगी। तो इस तरह से आप वुड हैव का यूज़ करेंगे। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपने, जो है आपका वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब है कि प्रेजेंट में आपको कोई कार्य करना पड़ता होगा डेली बेसिस पर। ध्यान रखना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट में आपको कोई कार्य डेली बेसिस पर करना पड़ता होगा, तब आप वुड हैव टू का यूज़ करेंगे। हैव टू का मतलब है कि आपको कोई कार्य करना है, फिर आप उसे फोर्सली करो या फिर प्यार से करो, तो हैव टू का मतलब यह है। और वुड का मतलब मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट में हम यूज़ करेंगे, यानी कि विल के पास्ट में, विल का पास्ट यानी कि आज के प्रेजेंट में। तो वुड हैव टू यानी कि प्रेजेंट में आपको कोई कार्य करना पड़ता होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, मान लीजिए आप किसी के घर में गए हैं, यानी कि अपने फ्रेंड के घर में गए हैं, और वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि आपका जो फ्रेंड है वो खाना पका रहा है, तो तब आप क्या बोलेंगे कि ये तभी डेली लेट आता है, यानी कि जब आप बुलाते थे तो वो लेट आता था, तो तब आप बोलेंगे कि उसे खाना पकाना पड़ता होगा, यानी कि तभी वो हमारे पास खेलने के लिए लेट आता है। अब आपने एक वाक्य बोला है उसे खाना पकाना पड़ता होगा, यानी कि आप डेली बेसिस पर बोल रहे हैं कि डेली उसे ये काम करना पड़ता होगा। तो अब आप इसमें क्या बोलेंगे कि ही वुड हैव टू कुक फूड, ही वुड हैव टू कुक फूड। अब देखिए यहाँ पर मैंने वुड हैव टू का मतलब है कि आपको प्रेजेंट में कोई कार्य करना पड़ता होगा, तब आप वुड हैव टू का यूज़ करेंगे। उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, यानी कि प्रेजेंट में उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, इसलिए वो हमारे पास नहीं आता है, या फिर इसलिए वो और कोई कार्य नहीं करता है क्योंकि उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, यानी कि उसे स्कूल जाना पड़ता है। तो इस तरह के सेंस में, यानी कि आप जिसमें, इसमें भी आप अपनी पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं कि आप इस बात से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं कि उसे स्कूल जाना पड़ता होगा। तो अब इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, ही वुड हैव टू गो स्कूल, ही वुड हैव टू गो स्कूल, यानी कि उसे स्कूल जाना पड़ता होगा। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में, माइंड में सोच रहे हैं, आपको इस चीज़ का कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। अगर इसमें कोई कन्फर्मेशन होता तो आप अलग इंग्लिश बोलते इसकी। तो आपको वुड हैव टू भी क्लियर हो गया होगा, यानी कि प्रेजेंट में कोई कार्य करना पड़ता होगा, तो इसमें आप वुड हैव टू का यूज़ करेंगे। और यदि प्रेजेंट में कोई कार्य ख़त्म कर चुका होगा या कि कोई कार्य ख़त्म कर लिया होगा, तो ऐसे सेंस में आप वुड हैव का यूज़ करेंगे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो है मॉडल के ऊपर, वो है आपका वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू ये क्या है, ये आपका वुड हैव टू का पास्ट है, यानी कि जैसे विल का पास्ट था वुड, ऐसे ही वुड हैव टू का पास्ट है वुड हैव हैड टू। ये पास्ट कैसे हुआ, क्योंकि इसमें हैड आ गया है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब मैं आपको इसे वुड हैव टू के माध्यम से ही समझाऊंगा और आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बोला था उसे खाना पकाना पड़ता होगा, यहाँ पर आपने किसका यूज किया था, वुड हैव टू का, यानी कि ही वुड हैव टू कुक फूड। अब मैं यहाँ कर अगर मैं यहाँ पर अब बोलूँ कि उसे खाना पकाना पड़ा होगा, यानी कि प्रेजेंट का पास्ट हो गया है, यानी कि अब जब आप बोल रहे हैं उसे कुछ टाइम पहले उसने ये कार्य करना पड़ा होगा, यानी कि पास्ट में, यानी कि वुड हैव टू का पास्ट वुड हैव हैड टू। उसे खाना पकाना पड़ता होगा, इसमें आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं वो भी प्रेजेंट की, तो आप बोलेंगे वुड हैव टू। यदि आप बोलते हैं कि उसे खाना पकाना पड़ा होगा, यानी कि प्रेजेंट में उसे खाना पकाना पड़ा होगा, लेकिन जब आप बोल रहे हैं उस तक वो कार्य जो है ख़त्म हो चुका है, तो तब आप ऐसी स्थिति में बोलेंगे वुड हैव हैड टू, यानी कि ही वुड हैव हैड टू
कुक फूड। तो इस तरह से आप वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, इसका मतलब है कि वो डेली बेसिस पर उसे कार्य करना पड़ता होगा, इसलिए आपने इस समय वुड हैव का यूज किया था। अब मैं यदि इसी को ऐसे बोलूँ कि उसे स्कूल जाना पड़ा होगा इसलिए वो मेरे पास नहीं आया। अब मैंने देखिए आपको क्या बोला कि वो मेरे पास नहीं आया क्योंकि उसे स्कूल जाना पड़ा होगा। अब ये जो सेंटेंस है उसे स्कूल जाना पड़ा होगा यानी कि ये आपका पास्ट में चला गया है। अब इसको आप बनाओगे वुड हैव हैड टू के माध्यम से, यानी कि ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। तो इस तरह से आप वुड हैव हैड टू और वुड हैव टू इन तीनों चारों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो वीडियो के यदि किसी पार्ट में आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए एग्जांपल्स, उसे रोज नहाना पड़ता होगा, उसे रोज खाना खाना पड़ता होगा। और मैं बोलता हूँ अब आपके दूसरे मॉडल के बारे में कि उसे वहाँ जाना पड़ा होगा। सेकेंड देखिए, उसे रोटी खानी पड़ी होगी। एक और देखिए कि वो अब तक खेल चुका होगा। और नेक्स्ट देखिए, वो अब तक खाना बना चुका होगा। तो इन तीनों चारों को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी एक ना एक वीडियो लाता हूँ, तो आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।